नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 2। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में ले चुके हैं जिसमें हमने अब तक पढ़ा चैप्टर का नाम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से लेकर सत्ता तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, कैसे आई, क्या चार्टर उन्होंने साइन कराया। उसके बाद हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कैसे अपना व्यापार शुरू किया। उसके बाद ये व्यापार युद्ध में कैसे बदल गए। उसके बाद हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी जो कि सिराजुद्दौला के साथ हुआ था 1757 में। फिर हमने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर जो कि मीर कासिम के साथ हुआ था 1764 में। फिर हमने पढ़ा कि कंपनी के जो अफसर थे वो भी नवाब बन गए। नवाब अंग्रेजी संस्करण था नवाब वर्ड का। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का शासन फैलता हुआ हमने देखा। उस कंपनी का फैलने में जो भूमिका थी वह रेजिडेंट की भूमिका होती थी जो वह रियासतों में छोड़ दिया करते थे। फिर हमने पढ़ा टीपू सुल्तान जी के बारे में जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। इनके साथ 4 युद्ध हुए। चारों युद्ध में जो सबसे आखिरी का युद्ध हुआ 1799 में, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले तीनों युद्ध में ब्रिटिश हार रहे थे। उसके बाद मराठाओं के साथ युद्ध हुआ। मराठाओं के साथ भी 3 युद्ध हुए। 3 में से जो आखिरी युद्ध था 1817 से लेकर 1819 तक का, उसमें मराठाओं की हार बुरी तरह से कर दी गई थी। और उसके बाद जो उनके पेशवा थे उनको पुनः भेज दिया गया था पेंशन पर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंसी। क्लेम टू पैरामाउंसी का जो मीनिंग यहाँ पे है दैट इज़ नोन एज द सर्वोच्चता का दावा। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उनका मानना था कि जो अंग्रेजों का शासन करने का तरीका है वह सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर है, सबसे उच्च है। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, ये गवर्नर जनरल रहे हैं 1813 से लेकर 1823 तक। अ न्यू पॉलिसी, इन्होंने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की भारत में, नई नीति की शुरुआत की, और उस नीति का नाम क्या था, पैरामाउंसी दैट वाज इनिशिएटेड। सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों का शासन है, जो ब्रिटिश शासन है, वह सर्वोच्च है, भारतीय राज्यों से ऊपर है। हैंस इट्स पावर, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर दैन द इंडियन स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम। अंग्रेजों का मानना था कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए, ये उनका अधिकार है कि वह किसी भी रियासत को अधिग्रहित या उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, या उनको रियासत का अधिग्रहण कर देने की या करने की धमकी भी देना उनका अधिकार माना जाता था। ऐसा अंग्रेजों का अपने बारे में विचार था। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, लेकिन यह जो प्रक्रिया थी यह बेरोक टोक नहीं चली। इसको भी चैलेंज करने वाले काफ़ी लोग भारत में उस टाइम भी मौजूद थे। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, एक छोटी सी जगह है किट्टूर जो कि आज कर्नाटक में स्थित है। उन्होंने वहाँ के एक छोटे से उस किट्टूर को अधिग्रहित या उसका अधिग्रहण करने का मन बनाया, लेकिन अधिग्रहण करने से पहले ही रानी चेनम्मा थी किट्टूर की रानी, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, सी वाज अरेस्टेड इन 1824, उनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन, और वो जेल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई 1829 में। लेकिन उनके बाद भी उनका जो ये प्रतिरोध था वह भी जारी रहा, लेकिन वह जारी किसने रखा, रायना, एक गरीब चौकीदार था संगोली का, संगोली एक जगह थी किट्टूर में, वह इस प्रतिरोध को जारी रख रहा था। और उसने इस शिविरों में
उसने अपने इस समर्थन में सहायता मिलने के साथ साथ अंग्रेजों के काफ़ी शिविरों को जलाया, तबाह कर दिया और दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया। ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, और अंग्रेजों के द्वारा उसको फांसी दे दी गई। कब? सन 1830 में। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस, आप इस तरह के काफ़ी सारे उदाहरण जानेंगे जब हम आगे इस किताब को पढ़ेंगे। इन द लेट 1830s, इन द लेट 1830s, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह रसिया की तरफ से काफ़ी चिंतित थी। चिंतित क्यों थी? इट इमेजिन, उसको लग रहा था दैट रसिया माइट एक्सपेंड क्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कि कहीं रसिया को, रसिया भारत को अपनी चपेट में न ले ले। वह रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलाकर उत्तर पश्चिम से भारत में भी एंट्री करने की बात से काफ़ी परेशान थी। ड्राइवन बाय दिस फियर, इसी डर के चलते द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। दे फाउट ए प्रोलोंग्ड वार, उन्होंने बहुत लंबा युद्ध किया अफगानिस्तान के साथ। कब से कब तक? 1838 से 1842 तक, और वहाँ पर अपना अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। अब बात आती है, सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843, और उन्होंने सिंध को भी 1843 में अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, अब अगला प्रांत कौन सा था? पंजाब था। लेकिन बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, लेकिन पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का होल्ड था, उनका शासन था, इसलिए वहाँ पर कंपनी की दाल नहीं गल पाई। आफ्टर हिज डेथ 1839, जब 1839 में रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, टू प्रोलोंग्ड वार्स वर फाउट विद द सिख किंगडम, सिख किंगडम के साथ, सिख रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई, एंड अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज अनेक्स, और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, 1839 में रंजीत सिंह जी की मृत्यु हुई थी और उनके बाद भी 10 साल लगे अंग्रेजों को पंजाब पे कब्जा करने के लिए। अब आती है विलयनीति, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इट मीन्स विलयनीति, मतलब कि किसी चीज़ को अपने में मिला लेना, अपने में मिला लेना। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 तक आई, जिसमें गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। उनके शासनकाल में एक नई नीति आई और उस नीति को डलहौजी ने नाम दिया द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या नाम दिया दोस्तों? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका मतलब है विलय नीति। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। उन्होंने कहा कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, और एक के बाद एक कई रियासतें अंग्रेजों ने इस तरह से कब्जा ली। उसमें कुछ रियासतें हैं, सतारा 1848 में कब्जा आई, संबलपुर 1850 में कब्जा आई, उदयपुर 1852 में, और नागपुर 1853 में, और झांसी 1854 में उन लोगों ने कब्जा ही थी। किस नीति से? विलय नीति से, जिसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। फाइनली इन 1856 1856 में कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। कंपनी किसकी ओर बढ़ी? अवध की ओर बढ़ी, वह अवध को भी नियंत्रण में करना चाहती थी। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, इस बार कंपनी ने एक नया तर्क दिया, और वह क्या तर्क दिया? दे सेड दैट ओब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब,
उन्होंने कहा कि वह अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, कि वो नवाब के कुशासन से अवध की जनता को आज़ाद कराना चाहते हैं। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज, और जिस तरीके से नवाब को गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा था। द पीपल ऑफ अवध के लोगों ने ज्वाइंट द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857, और अवध के लोगों ने बड़ा ही बढ़ चढ़ कर 1857 क्रांति में हिस्सा लिया था। इतने नाराज हुए थे अंग्रेजों के इस कदम से। अब देखिए, हम यहाँ तीन मैप देखेंगे। इन मैप में आप देखेंगे कैसे कैसे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता भारत में बढ़ाई। आप इन मैप को कंपेयर कर सकते हैं आपके आज के मैप से, इसलिए आप लोगों को मैप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला मैप है। इस मैप में आप देखेंगे 1797, ये जो मैप है 1797 का मैप है, 1797। इसमें आप देखिए जो अंग्रेज रियासत है वह सिर्फ ये वाला येलो इस पार्ट है जो कि बनारस और कलकत्ता में आती है। एक छोटा सा पार्ट ये है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में आता है आज की डेट में। ये एक मद्रास है, ये आपका कर्नाटक का पार्ट, तमिलनाडु का पार्ट है, और ये इधर थोड़ा सा केरला का पार्ट है। अब बात करते हैं थोड़े समय बाद की। ये मैप है आपका 1840 का। इसमें देखिए किस स्पीड से अंग्रेजों का शासन बढ़ा है। नीचे तमिलनाडु का एरिया बढ़ गया, इधर कर्नाटक का, तेलंगाना का, ऊपर बॉम्बे का, इधर ये उड़ीसा तक पहुंच गया, सीधा होते हुए कलकत्ता, बनारस, लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीच में थोड़ा सा पार्ट इसका मध्य प्रदेश का भी बन चुका है। अब एक मैप और है 1857 का। इसमें देखिए किस हद तक अंग्रेजों का प्रशासन भारत में फैल चुका था। ये तीन मैप आप अच्छे से देखिए और इनको कंपेयर कीजिए आपके आज के भारत के मैप के साथ, कि किस समय तक अंग्रेजों ने किस जगह तक शासन कर लिया था। अब बात करते हैं सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नए शासन की स्थापना। क्या नए शासन की स्थापना? वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे 1773 से 1773 से 1785 तक। उनकी बात होती है कि उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी, सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल। उनके समय में कंपनी सिर्फ बंगाल की ताकत नहीं रह गई थी, वह बढ़ते बढ़ते मुंबई और मद्रास में भी, कहाँ पर, मुंबई और मद्रास में भी अपनी ताकत फैला चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेजिडेंसीज। यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रेजिडेंसीज। ब्रिटिश इलाकों के मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। जो ब्रिटिश सत्तरवे थे इलाके, ब्रिटिश इलाके प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। दैट मीन्स ब्रिटिश टेरिटरीज बटी हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिनको कहा जाता था प्रेजिडेंसी। और उस समय भारत के पास तीन प्रेजिडेंसियाँ थी, एक बंगाल, एक मद्रास और तीसरी बॉम्बे। और ये सब रूल की जाती थी, इन सब पर शासन किया जाता था गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, और सबसे ऊपर तो गवर्नर जनरल ही होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहले गवर्नर जनरल थे जिसने कई प्रशासकीय सुधार किए, मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार काफ़ी उल्लेखनीय थे। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम, 1772 से एक नई प्रणाली। किसकी? जस्टिस माने न्याय, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिस्टम प्रणाली, जस्टिस न्याय, न्याय की प्रणाली स्थापित की गई।
ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट्स। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में, ईच डिस्ट्रिक्ट हैव टू कोर्ट्स, हर जिले में दो कोर्ट होंगी, दो अदालतें होंगी। एक होगी क्रिमिनल कोर्ट जो फौजदारी अदालत होती है, और एक होगी सिविल कोर्ट जो दीवानी अदालत होती है। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडिया लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। जो मौलवी और हिंदू पंडित होते थे वो भारतीय कानून की व्यवस्था या व्याख्या करते थे, और वो दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर के सामने उस व्याख्या को अच्छी तरह से सुनाते थे या बताते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती। जो क्रिमिनल कोर्ट थी, जो फौजदारी अदालतें थी, वे अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में होती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही की जाती थी, या उनकी निगरानी में काजी और मुफ्ती काम करते थे। अब यहाँ दो वर्ड आए हैं, एक आया है काजी, एक है मुफ्ती। अब इनको आप यहाँ समझ सकते हैं। काजी जज होता है या होता था, मुफ्ती आप इसको वकील कह सकते हैं कि ये वकील होता था। इम्पीचमेंट, ये बहुत खास वर्ड है, बहुत ज़रूरी वर्ड है, इसको समझिएगा। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग। क्या होता है? महाभियोग। महाभियोग आज भी होता है। अब ये होता कैसे था उस टाइम? अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चेंजेस ऑफ मिसकंडक्ट, फॉर चेंजेस ऑफ मिसकंडक्ट बिहेवियर ब्रॉट अगेंस्ट ए पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इम्पीचमेंट, महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण, ध्यान रखना, दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, इम्पीचमेंट महाभियोग तब होता है जब दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन, जैसे आपके यहाँ पे अब होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे इंग्लैंड में होते थे, या अब होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ पे जो एक फोटो दिखा रखा है, ये फोटो दिखा रखा है जो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ 1795 में एडमंड बुरके ने आरोप लगाया था महाभियोग का। क्या किया था? महाभियोग का मुकदमा चलाने की मांग की थी किसके खिलाफ? भारत के सभी लोगों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। एडमंड बुरके का कहना था कि उसने, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत के सभी लोगों का अपमान किया है। क्या किया है? अपमान किया है, और मैं उनकी तरफ से इन पर महाभियोग करना चाहता हूँ। ये आप चाहे तो आगे देख भी सकते हैं। ये देखिए, आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने दो वर्ड देखे होंगे, इम्पीच, ये तो महाभियोग आपने पढ़ा ही है, एक ऑपरेसर, ऑपरेसर का मीनिंग यहाँ पर है उत्पीड़क, किसी को परेशान करने वाला। हियर इज ए पैसेज फ्रॉम एडमंड बुरकेज एलोक्वेंट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वह भाषण है जो एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान उत्तेजनापूर्ण होकर भाषण दिए गए थे। इसमें उन्होंने बताया, आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मैं हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंदा और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर, मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क को पर महाभियोग चला रहा हूँ। अब बात आते हैं उसके बाद। अ मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित्स। अब मुख्य समस्या क्या थी? दैट
द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। अब क्या होता था, जब मौलवी और पंडित व्याख्या करते थे तो भाई हर एरिया का, हर जगह का अलग अलग धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग अलग अलग वहाँ का कानून था, स्थानीय कानून आप कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग व्याख्या करते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, इस भिन्नता को ख़त्म करने के लिए इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड, 11 पंडितों को यह काम सौंपा गया। कौन सा काम? कि वह हिंदू लॉज, भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करें। क्या करें? भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करें, कंपाइल, वर्ड ध्यान रखिएगा कंपाइल, क्या वर्ड है? कंपाइल करना, कुछ चीज़ों को मिलाकर एक जगह ले आना। एन बी हलहेड ट्रांसलेटेड हिज डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। एन बी हलहेड थे, इन्होंने उस सारे कंपाइलेशन को, उस संकलन को क्या किया, अंग्रेजी में बदल दिया। अब 1778 में एक मुस्लिम कानून भी बना, 1778 में मुस्लिम कानून भी बना और उस संहिता को भी तैयार किया गया अंग्रेजी में। क्या किया गया? अंग्रेजी में। अब अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट बना था 1773 में, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड, इसके तहत नई सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत नई सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया, नए सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय, उसको स्थापित किया गया वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील, जबकि एक अपीलीय अदालत भी कलकत्ता में बनाई गई, और वह कहाँ थी? दी सदर निजामत अदालत, इसको भी कलकत्ता में स्थापित किया गया। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडिया इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, एक भारतीय जिले में सबसे महत्वपूर्ण ओहदा होता था कौन सा? कलेक्टर का ओहदा। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे यह नाम बताता है, कलेक्टर, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, तो इनका मेन काम था रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करना, मतलब कि राजस्व और कर इकट्ठा करना, राजस्व और कर इकट्ठा करना। इसके अलावा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, अपने इलाके में, अपने इलाके में कानून व्यवस्था को बनाकर रखना, किसकी मदद से, किसकी मदद से? जजेस की मदद से, न्यायाधीश की मदद से, पुलिस ऑफिसर, पुलिस वालों की मदद से, और दरोगाज, और दरोगाज की मदद से। हिज ऑफिस, उसका कार्यालय, हिज कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज, उसका जो कार्यालय था वह नया केंद्र बन गया था, सेंटर केंद्र बन गया था किस चीज़ का? पावर एंड पैट्रोनेज, पावर मीन्स ताकत का, सत्ता का, एंड पैट्रोनेज संरक्षण का। ध्यान रखना, ताकत और संरक्षण, पैट्रोनेज वर्ड है संरक्षण का। दैट स्टडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी, और इस ऑफिस के बनते ही पुरानी जो भी ताकतें थी उन सबको वहाँ से हटा दिया, वो सब बेदखल हो गई, उन सबको ढकेल दिया। दी कंपनी आर्मी, अब हम बात करते हैं कंपनी की, फौज की। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्राउट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। कंपनी के साथ बाद में शासन और सुधार के नए नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी, असली ताकत जो थी, वह सैनिकों में थी। मुगल फौज, द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, वर्ड ध्यान रखना कैवलरी, कैवलरी होता है सवार, सवार कौन सा? घुड़सवार, वह घुड़सवार उसको कहते हैं जिसको घोड़े पर सवारी करने का प्रशिक्षण होता है। तो जो मुगल आर्मी थी, जो मुगल फौज थी, वह मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना की होती थी। पैदल सेना को वह आर्चरी, आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी, एंड द यूज ऑफ सोर्ड, और तलवारबाजी सिखाते थे। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट did not feel the need to have a large professionally armed infantry।
लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। अब मुगल साम्राज्य को सेना में सवार का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। द रूरल एरियाज क्यों नहीं होती थी? द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स। जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र थे उनके पास बड़े ही अच्छे हथियार वाले किसान मौजूद थे और जरूरत पड़ने पर वहाँ के स्थानीय जमींदार मुगलों को वे पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों ने किसानों को भर्ती करके उनके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो वह सूरत बदलने लगी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी सेम यही तरीका अपनाया। व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। जब वह अपनी सेना के लिए भर्ती कर रही थी विच केम टू बी नोन एज। और उस सेना का नाम उन्होंने क्या रखा था? सिपाही आर्मी। सिपाही कहते हैं भारतीय शब्द सिपाही से ही सिपाही बना है तो वे सिपाही आर्मी कहते थे। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s। जैसे जैसे 1820 के दशक में युद्ध तकनीक बदलने लगी कंपनी में द कैवलरी रिक्वायरमेंट। जो घुड़सवार थी उनकी ज़रूरत कम होने लगी। दिस इज बिकॉज यह इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वर्स वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर की लड़ाई चल रही थी बर्मा अफगानिस्तान इजिप्ट में। वहाँ पर जो उनके सोल्जर्स थे उनके पास हथियार थे। हथियार में क्या था? एक मस्केट थी और एक मैचलॉक था। मस्केट होती है एक भारी बंदूक जो पैदल सेना के पास होती है और एक मैचलॉक होता है। मैचलॉक पुराने समय की बंदूक होती थी जिसमें माचिस से आग लगाकर और उसके पाउडर को धमाके के लिए इस्तेमाल किया करते थे। कंपनी द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी क्योंकि घोड़े पर रहकर ये दोनों काम नहीं हो सकते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। जो अंग्रेजों हैं उन्होंने एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। समरूप मतलब यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी क्या? सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रिक्वायर्ड देयर लाइफ मोर देन बिफोर। अब जो सिपाही थे उन सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, याद रखना तीन वर्ड हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण ड्रिल अभ्यास एंड डिसिप्लिन अनुशासन, ये तीनों चीज़ें सिखाई जाती थी। दैट रेगुलेट देयर लाइफ, अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित हो चुका था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड। अब इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। क्यों समस्या आती थी? क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय को भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। अब इग्नोर का मतलब ध्यान रखिएगा, इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज करना। कुड इंडिविजुअल्स सो इजीली गिव अप माने ध्यान, जब गिव होता है खाली तो देना होता है, गिव अप एक फ्रेज बन जाता है तो गिव अप का मतलब छोड़ना होता है। गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, क्या
आप बता सकते हैं कि भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या कुड देसी देम सेल्फ ओनली सोल्जर्स, क्या वे खुद को सिर्फ एक सिपाही के तौर पर देख सकते थे एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी? और उस समय क्या वो अपने आप को समुदाय के सदस्य नहीं मानते थे? व्हाट डिड द सिपाइज फील, सिपाही क्या फील करते थे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू देयर चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड देयर डिग्निटी एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हाउ हु दे आर? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा था? द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति थी, गिव्स अस ए ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिपाइज, इस दुनिया की झलक दिखाता है। किसकी? उन सिपाही की दुनिया की झलक दिखाता है। यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर इन चैप्टर 5, आप इस विद्रोह के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर कि जो भी हमने अब तक पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या रहा। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. अब यहाँ पे दो वर्ड ऐसे आए हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक है टेरिटोरी, एक है कॉलोनियल। तो टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर का मतलब होता है भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति, कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति कैसे बन गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century, 19वीं सदी की शुरुआत में जब भाप की तकनीक यहाँ पर आई, स्टीम टेक्नोलॉजी याद रखना, भाप की तकनीक। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि जिस जगह से भारत आने में 6 से 8 महीने लगते थे, अब इस भाप के इंजन की वजह से, स्टीम शिप्स भाप के इंजन की वजह से, वह यात्रा घटकर सिर्फ 3 हफ्तों में पहुंच गई थी। अब इन 3 हफ्तों में इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज अपने परिवार के साथ भारत में आने लगे थे। 1857 बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर, याद रखना भूभाग जमीन पर, 63% भूभाग पर और 78% भारत के लोगों पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, अंग्रेजों का सीधा शासन था। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस याद रखिएगा, ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट प्रभाव था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इस व्यवहारिक स्तर, वर्चुअलिटी, इस व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, कंट्रोल में अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये अब तक हमने पढ़ा, लेकिन ये सिर्फ भारत में हो रहा था। अब एक जगह और कुछ चल रहा था, वो भी एक नज़र देख लेते हैं। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में दास व्यापार क्या चल रहा था? दास व्यापार, जहाँ पे आपको सेवक मिलते थे, दास मिलते थे। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच सदर्न अफ्रीका इन द 17th century, 17वीं शताब्दी में डच व्यापारी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके थे। सून अ स्लेव ट्रेड बिगन, वहाँ पर जल्दी दास व्यापार शुरू हो गया। पीपल वर कैप्चर्ड, लोगों को पकड़ा जाने लगा, बंदी बनाया जाने लगा, एंड चेन एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट्स, और उनको दास मार्केट में, दास व्यापार में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन वैन स्लेवरी एंडेड, जैसे दास प्रथा खत्म होने वाली थी, उसका अंत चल रहा था, 1834 की बात है, तो जो दक्षिण सिरे पर स्थित केप में लगभग 36,774 दास उपस्थित थे। अ विजिटर टू द केप इन 1824 हैज लेफ्ट ए मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट द स्लेव ऑक्शन। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह उसने प्रस्तुत किया था एक किताब में, द चेन्स दैट बाइंड अस,
अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, जो कि 1996 में लिखी गई थी नाइजेल वार्डन ने। लिखा क्या था, हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी, हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल फॉर्म स्टॉक फॉर्म Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, we halted our wagon for the purpose of procuring fresh auction. Among the stock was a female slave and her 3 children. The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately, had to different purchasers. The tears, the anxiety and the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent, contrasted with the marked insensitivity and jocular countenances of the spectators. यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उनको भी परखा, उनके अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा, दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था, इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। जोक्युलर काउंटेनेंसेज असंवेदनशील, ध्यान रखना असंवेदनशील, मार्क्ड इनसेंसिटिविटी, तो हंसते हुए और असंवेदनशील थे। यहाँ तक हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री का। ये एक्सरसाइज है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा। अगर कुछ समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।